सो गाइज ओप्पो ने कंफर्म कर दिया ओप्पो का एक न्यू स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 85G को इंडिया के अंदर गाइज ओप्पो जल्द ही लॉन्च करेगा। किस प्राइस पर लॉन्च करेगा और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में, देन गाइज वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया गाइज वो जरूर से कर देना। देन गाइज चलते हैं आज के इस वीडियो में, गाइज मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 85G के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। देन गाइज फाइनली यहाँ पे इस डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। इसमें पंच होल डिस्प्ले के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, काफी अच्छा UI एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है और 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी गाइस देखने को मिलेगी, तो यूजफुल रहेगी आपको आउटडोर में जैसे आप वर्क करोगे इस स्मार्टफोन पे, देन आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा देगा ओप्पो की तरफ से। गाइस इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड OS 13 का भी गाइस सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कलर OS 13 की भी थीम वगैरह देखने को मिल जाएगी, काफी अच्छा UI देखने को मिलेगा और स्मूथ UI देखने को मिलेगा, देन एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। देन गाइस फाइनली अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या कुछ चिपसेट देखने को मिल जाएगा। गाइस इसमें क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 5G का प्रोसेसर मिलेगा जिसमें आप हाई लेवल की गेमिंग बिल्कुल भी गाइस नहीं कर पाओगे, पर लेकिन एक बात है डे टू डे ये जो परफॉर्मेंस काफी अच्छी दे देगा। गाइस ये जो प्रोसेसर है मिड रेंज प्रोसेसर है, ये बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपको अभी हालांकि देखने को मिलेगा। गाइस फाइनल बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। मेन सेंसर की बात करें 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस काफी अच्छा यहाँ पे आपको फोटोज वगैरह निकाल के देगा, वीडियो शूट वगैरह करना चाहते हो वो भी इजिली कर पाओगे, और यहाँ पे आपको जो सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिलेगा, ये थोड़ा ज्यादा होता तो और काफी अच्छा लगता। 2 मेगापिक्सल का एक लास्ट आपको डेप्थ कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, कैमराज में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। और अब देखना होगा क्या UI परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जब भी ये लॉन्च होगा, फिर इसके जो भी फोटोज रिव्यू आएंगे वीडियोज रिव्यू आएंगे उससे पता लगेगा कि इसके अंदर आपको कितना स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। सो गाइस फ्रंट में बात करें पंच होल डिस्प्ले 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और ये जो डिस्प्ले आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए, और इसके अंदर कटआउट भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। देन गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4800 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ साथ 67W का फास्ट चार्जर भी गाइस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस मेरे ओपिनियन से इसके फाइनल ओवरव्यू की बात करें, इसके अंदर गाइस आपको मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिलता है और एक डिसेंट कैमरा देखने को मिलता है। गाइस कमेंट करके आप जरूर से बताना कैसा आपको लगता है इसके परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन, वो जरूर से कर देना कमेंट। एंड गाइस फाइनली बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, क्या एक्सपेक्टेड इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। गाइस प्राइस की बात करें एक्सपेक्टेड 27,000 और लगभग 30,000 के लगभग जो स्मार्टफोन है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और ऑफर्स वगैरह से भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस इसके अंदर आपको मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिलता है, देन और आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। और फाइनल लॉन्च इवेंट की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग फरवरी के सेकंड वीक में ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। एंड गाइस ये कैसा लगा आपको स्मार्टफोन कमेंट करके जरूर से बताना। देन गाइस मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, गाइस तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।